हाई एवरीवान वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन आई नो इस सेशन के लिए आप वेट कर रहे होंगे कि राखी मैम इस सेशन के साथ में आए रिगार्डिंग टू टॉक अबाउट पर्सन टाइल वर्सेज मार्क्स फॉर जेई मेन्स सेशन वन जनवरी अटैम्प्ट बेसिकली सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं या रिज़ल्ट अच्छा आया है टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंपल एक बात कहूँगी जिन्होंने मेहनत की जिन्होंने हार्ड वर्क किया जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उनका मार्क्स आए उनके अच्छे परसेंटाइल आए जिन्होंने ये कम किया जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया उनके मार्क्स नहीं आए हम ये तो बातचीत कर रहे हैं आजकल हर जगह यही चर्चा चल रही है कि एन ने अच्छा नहीं किया एन ने नॉर्मलाइजेशन जो उनका यूनिक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है वो अनफेयर तरीके से एक तरह से यूज हुआ है मीन्स दे इट फेयरली बिकॉज uh, काफी ज्यादा वेरिएशन हमको दिख रहे हैं पर्सन टाइल में एंड इन द दिफ्ट ऑल्सो ठीक है वो मैं भी आपको डेटा के थ्रू दिखा भी दूंगी बट द थिंग इज द कोर इज क्या एन टी ए आपकी बात सुनेगा क्या एन टी ए कुछ चेंजेस करेगा आफ्टर द रिजल्ट आर नाउ रिलीज्ड बेसिकली मुझे ना के बराबर पॉसिबिलिटी लगती है बट हो फोर द बेस्ट इन फिंगर्स क्रॉस्ड अगर एन टी ए आपकी सुन ले तो अदरवाइज जो रिजल्ट अब आपके पास में आ चुका है उस रिजल्ट को आप एक बार एनालाइज कीजिए कि कहाँ-कहाँ आपके वीक पॉइंट्स रह गए हैं कहाँ कहाँ आपको उनको स्ट्रोंग करना है अब ये तो पता चल गया होगा कि किस तरह का पैटर्न ऑफ पेपर आएगा अ वे आपको हर एक क्वेश्चन फोड़ना है हर एक क्वेश्चन में यू नीड टू स्कोर मार्क्स यहाँ पर अब गलती के कोई चांसेस नहीं दे रहा है एनटीए आपको

रीज़न यही है कि जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो चेंज हुआ है ट्वेंटी जनवरी शिफ्ट वन का पेपर वॉज वेरी वेरी इजी इन कंपैरिज़न टू द प्रीवियस ईयर जनवरी अटेम्प्ट 2023 ट्वेंटी थ्री का जो पहला शिफ्ट आया था ठीक है सो इट वॉज वेरी इजी और ये भी देखा गया कि इस बार काफी सारे बच्चों का जो एक तरह से uh,

बारह लाख इक्कीस हजार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था फॉर द जेई मेन सेशन वन जिसमें से ग्यारह लाख सत्तर हजार बच्चे अपियर हुए थे फॉर द एग्जामिनेशन और नो हाँ जी काफी, ratio, काफी ने आगे आने वाला जो अप्रैल है उसमें ये माना जा रहा है कि यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्रैल में बैठेंगे जिन्होंने दिया है दे बी नियर अबाउट वन थर्टी थाउजेंड So, अगर मैं जनवरी प्लस अप्रैल अटेम्प्ट दोनों ही स्टूडेंट्स को एड ऑन कर दूं, so करीबन अब अप्रैल अटेम्प्ट में तेरह लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या फिर आप कहिए वो अपियर होंगे ठीक है सो आई मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि वॉट विल बी योर रैंक

Well, so, यहाँ पर मैं कहना

विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स कह लीजिए केमिस्ट्री कह लीजिए फिजिक्स कह लीजिए ठीक है अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ थर्टी फर्स्ट जनवरी शिफ्ट टू का पेपर एंड ट्वेंटी सेवन जनवरी शिफ्ट वन का पेपर तो ऑब्वियसली देर इज ह्यूज डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल बट वन फिफ्टी वन पे उस बच्चे को नाइनटी नाइन मिल रहा है थर्टी जनवरी शिफ्ट टू एंड नाइनटी नाइन परसेंट मार्क्स पे मिल रहा है ट्वेंटी जनवरी शिफ्ट वन करीबन करीबन आप मान के चलिए कितने मार्क्स का डिफरेंस है नियर अबाउट आप देखेंगे तो करीबन करीबन एट्टी मार्क्स का डिफरेंस है हाँ ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है थोड़ा सा वियर्ड है कि क्या एन टी ने यूनिक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया या नहीं किया बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा ना अनफेयर दिख रहा है चीजों को लेकर जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती गई है वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते गए हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि 27 जनवरी शिफ्ट वन के अंदर 184 पे यू आर गेटिंग 96 परसेंट आई एंड 31 जनवरी शिफ्ट टू में देखिए इट्स 109 पे आपको 96 परसेंट आई मिल रहा है येस और नो लेट मी हाइड माई ताकि डेटा आपको क्लियर दिख जाए यहां पर यस yes no. अब देखो के अंदर 99 पे ट्वेंटी थ्री की टू हंड्रेड मार्क्स पे 99% परसेंटाइल आ जाता था लेकिन इस साल ऐसा कुछ केस नहीं है यस yes, 200 मार्क्स पे मोस्ट ऑफ यू माइट गॉट 99% परसेंटाइल

एक्चुअली मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अब देखो फॉर नाइनटी नाइन एंड अब परसेंटाइज के लिए क्या है यहां पर सो नाइनटी नाइन

टू माई नॉलेज नाइंटी टू पॉइंट टू परसेंट इज द क्वालिफाइंगव समेबसाइट ऑफ एनटीए दे है कट ऑफ मार्क्स टू सिट इन जय एडवास बेसिकली इसीलिए मैं नाइंटी टू

सो uh, एनटी so की वेबसाइट पे वी एक्चुअली जो कट ऑफ जानी चाहिए इट विल बी नियर अबाउट नाइनटी टू पॉइंट टू परसेंट आइल फॉर अ स्टूडेंट टू सिट इन जेई एडवांस लेकिन अभी वॉट वी से वी डू हैव वन मोर अटेम्प्टू गो विद्रिल तो हमको जनवरी से क्या सीख मिलती है अगर एन कोई चेंज नहीं करता है लेट्स एक्चुअली थिंक ऑफ द अगर एन अगर एनटीए कोई चेंज नहीं करता है इन द इसी रिजल्ट रिजल्ट के साथ ही आप रहेंगे यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन को फोड़ना पड़ेगा आपको इन ऑर्डर टू एक्चुअली टू रीच टू द परसेंटाइल ऑफ 99 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम मैंने जैसे कि बताया 240 मार्क्स तो चाहिए ही होंगे गिवन दैट अगर सेम पैटर्न सेम चीजें रिपीट हुई इन द अप्रैल अटेम्प्ट बाय दी एनटीए सो तैयार रहिए वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है कि वीडियो देखा पढ़ाई हो गई वीडियो के बाद भी आप लोगों को अपनी खुद की तैयारी करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ह्यूज नंबर किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा करंट ईयर इवेश्चन्स आपके पास में आ चुके हैं उनको सॉल्व कीजिएगा और मॉक पेपर दीजिए ठीक है एवरी वीक यू नीड टू गिव वन मॉक पेपर मॉक पेपर देने से काम नहीं चलेगा उसको एनालाइज भी करना होगा वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ठीक है

Every feature is having one video separately. So if you have any problem, you can actually go and just watch that particular videos on the YT channel of mvibe So this was all from my side. All the very best for your April attempt. And I'll make sure ki aapka April attempt ke under, I actually give you a boost by coming up with the great and Josh Bare sessions. Ke bye bye and take care. Keep imbibing.